टू आवर चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो अब से हमारा नाम है क्रेव राइट्स। हाँ, वो मैंने बता दिया था उनको दूसरी वीडियो में। ओके, अब तू भी एक बार ऑफिशियली कंफर्म। हाँ, तो आज से हम क्रेव राइट्स है अब हमारा नाम, यूट्यूब चैनल नेम। यस, सो आज हम लेकर आए एक हेल्दी रोस्ट, जो हम करेंगे इंटरनेट सेंसेशन रूही राय, जो एक गजब अजब लड़की है। अजब गजब लड़की है। हाँ, बहुत ही ज्यादा गजब अजब है। अजब गजब गजब अजब, बहुत लोगों ने देखा होगा उसको। हाँ, स्नैपचैट पे आजकल वो वीडियोस वगैरह डालती है। हाँ, बहुत ज्यादा। तो अब हम उसकी वीडियोस जो है एक एक करके स्टार्ट करेंगे और उन पे कमेंट करेंगे। मैंने एक छांट छांट के निकाली है उसकी वीडियोस, जो मुझे लगा कि हाँ, ये थोड़ी सी वीडियोस ठीक थी, क्योंकि बाकी की वीडियोस तो बहुत ही ज्यादा होती कि मैं फैमिली के साथ वेडिंग नहीं देख सकती। हाँ, ये तो है उसकी उसकी वीडियोस, उसकी इंस्टाग्राम मतलब स्टोरीज वगैरह कुछ भी आप घर पे फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते। इट्स नॉट अ फैमिली कंटेंट। यस, इट्स अ नेटफ्लिक्स एडल्ट सीरीज। यस, फर्स्ट वीडियो जो हम चालू करने वाले हैं अभी। ओके, एंड रेट माय न्यू जिम आउटफिट। तो अब हमने देखा इसका जिम आउटफिट। एक्चुअली भाई साहब, मुझे समझ नहीं आया कि जिम आउटफिट दिखा रही थी और शी वाज ट्राइंग टू शो समथिंग एल्स। यस, क्योंकि उसने तीन चार बार ऐसे टैप किया पीछे। हंस लेने क्या हो गया तुझे? हंसी आ रही है पर हंसा नहीं जा रहा मेरे से। समझ नहीं आ रहा, ठीक है भाई जिम आउटफिट का लोग करते हैं, बट ठीक है दिखाते कि यार दिस इज माय स्पोर्ट्स ब्रा, दिस इज माय लेगिंग्स, दिस इज माय जैगिंग्स एंड दिस इज द जैकेट आई एम वेयरिंग। भाई ये क्या है? सी सी, अरे ये इसकी। अब हम इसकी देख रहे हैं दूसरी वीडियो। इस जो इसका है, नाम है लिविंग लाइक अ कपल फॉर 24 आवर्स। बहुत ज्यादा हंसी आ रही है इस चीज पे, क्योंकि कुछ और भी ना दिखाने वाले, कुछ और भी ना दिखाने वाले हैं, पर एटलीस्ट ये तो पीछे था भाई। ये ऑलरेडी दोनों कपल ही हैं, ठीक है, कोई बेस्ट फ्रेंड ये नहीं होता यार, कोई बेस्ट फ्रेंड आपस में ऐसे ऐसे तो फोटोज नहीं खिंचवाते। तो ये था लिविंग लाइक अ कपल फॉर 24 आवर्स, और ये दोनों कपल ही हैं, फालतू की बकवास कर रहे हैं बहुत ज्यादा। ऐसे क्यों भाई, क्यों ऐसे छुपाने में क्या है? सीधा बोलो हाँ भाई वी आर कपल। नो, क्यों भाई, जब इतना सब ये दिखा सकते हैं फिर बाहर किसी और के साथ नहीं जा सकते ना, ये भी तो है इसके अंदर। हां, माय गॉड भाई साहब, लड़की हद करती है हद। चाहिए कहना चाहती है मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड कोई ऐसे रहता है? नो, कोई भी नहीं रहता यार ऐसे तो। ये की है गेट रेडी विद मी फॉर अ वेडिंग। वेडिंग है, वेडिंग 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 इज शादी। शादी होती है, वेडिंग है ना, पता है। बिकनी शूट पे नहीं जा रही वो। हाँ, तो ये वाली वेडिंग पर। मैंने बेस
रेडी कर रखा है, मतलब अगर मैंने फेस वॉश किया, पे टोनर लगाया, इतने बाल मेरे सर पर होते तो क्या बात है। हर चीज है, लेट्स सी हाउ रिएक्शन ऑन इसका रिएक्शन देखते हैं। मेरे रिएक्शन दे वाले मुझे तो दिख नहीं रही बस के बाल छोटे कर देते हैं और तो हमने वाली वीडियो भी देखी। Get ready with me for a wedding. Wedding पे जाना है। Wedding में कोई ऐसे कौन है? ऐसे मतलब यार रिश्तेदार तो कुछ शर्म आ जाए यार, ये लड़की क्या यार इसकी मम्मी कुछ बोलती नहीं होगी यार। मैं तो ये सोचती यार देखो आजकल बहुत ज्यादा मॉडर्न हो रहा है यार, इतना भी मॉडर्न नहीं होना चाहिए। ये तो पूरा मॉडर्न दिख रही है ना, ये तो पूरा एकदम सुपर मॉडर्न, मेरे को बता रहा है मॉडर्न भाई, मतलब हद हो गई बहुत यार। इसी मम्मी ने कुछ बोला नहीं होगा क्या? बोलते हो मेरा सुनता कौन है आजकल यार, क्यों नहीं सुनता भाई, शर्म आ जाती खुद को। हम तो ऐसे नहीं जा सकते इसी वेडिंग में भाई, रिश्तेदार हमको देख के क्या सोचेंगे, कैसी लड़की थी, क्या पहन के आ रही है। ये तो है, इतना ज्यादा भी अच्छा नहीं लगता। सो ये दूसरी वीडियो है जिसमें स्टाइल माई न्यू क्रॉप जैकेट। ये स्टार्टिंग इसकी बहुत अच्छी से होती है, बट ज्यादा ज्यादा इसका जो लेवल अभी देखने वो बहुत ज्यादा अभी मिलेगा, वो देखते हैं अभी पहले। लेट्स सी बहुत ज्यादा थी वो तो। देखा स्टार्टिंग इसने बहुत अच्छी करी। मैं सोची थी यार पहली बार इतने अच्छे कपड़े पहने, मैं बहुत खुश थी इसको इन कपड़ों में देख के, बट जिसने जो आते आते बीच में कबाड़ा करा एक को, इसने पता नहीं क्या पहना वो, तो उसे लास्ट में से जो कबाड़ा किया, ओह माय गॉड क्या हो गया भाई, इतनी सुंदर लग रही थी फर्स्ट में। हाँ क्या कर रहा है शायद से। हाँ ठीक है, सुंदर ठीक लग रही थी, बट उसके बाद ऐसे आप बाहर जाओगे तो इन ये कपड़े थोड़े से ठीक थे, थोड़े से फिर तो बीच वाले इसने याद है जो ब्लैक कलर का निकला था वो तो बहुत वो था वो बहुत ज़्यादा यार, मतलब लोग ना अपना खाना छोड़ के ना इसी को देखते होंगे, पहले इसको देख रहे कि भाई इसके कपड़े कौन से पहने हैं, राइट है ना, उसके बाद उसकी बुराइयाँ करते होंगे। सो अब हम देखेंगे लास्ट वीडियो जिस वजह से बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हुए हैं ये वीडियो देख के, राइट। हाँ ये तो है, किसी और के चैनल से उठाई है ये वाली श्राद्ध वाली वीडियो, ओके? क्योंकि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई थी इसलिए शायद इसने डिलीट कर दी। दो तीन दिन के अंदर ही डिलीट हो गई थी वैसे तो। लग है बिकॉज आज मेरे पापा का श्राद्ध है जो कि हम हर साल करते हैं, तो आज हम सिर्फ एक मील ही खा सकते हैं जिसमें आप नमक और ऑयल एक बार खा सकते हो, बट आप बीच में मीठा खा सकते हो, कुछ भी पी सकते हो। और मैंने ब्रेकफास्ट में मंगाया था ये माचा ओट मील बिकॉज मुझे आज बहुत सारा काम करना था तो एनर्जी चाहिए थी उसके लिए। बाय द वे इट्स वेरी यम्मी, मुझे बहुत अच्छा लगा, आई रेट दिस 8 out of 10। हम सिर्फ लंच ही कर सकते, एक ही मील खा सकते हैं, तो मैं साहिल के पास ये लंच लेकर गई थी, तो लेट्स ओपन इट और मम्मी देखते क्या पैक किया है। और इसमें मम्मी ने पैक किया था मेथी के पराठे और आलू की सब्जी, मुझे बहुत पसंद है। ऑब्वियसली इट वॉज 10 on 10 फॉर मी बिकॉज मम्मा ने बनाया और ये मेरी फेवरेट है। उसके बाद हम कुछ बाहर पीने गए थे और मैंने ये ड्रिंक चूज करी थी बट ये थे नहीं, तो मुझे पिंक लेमनेड पीना पड़ा जिसका टेस्ट बहुत ही बेकार था। आई रेटेड 2 out of 10, इट वॉज बैड। यू
इन्होंने अपने पापा की शरारत की वीडियो डाली, कोई बात नहीं वो तो ठीक है, वो क्या हाँ। बोलते हैं अपने वो दिखा रहे हैं रिवाज नहीं, वो दिखा सकती थी कि यार मेरे आज पापा का शरारत है एंड हम ऐसे रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, बट ऐसे नहीं कि भाई शराब है हम ये खा रही हूँ मैं वो खा रही हूँ, मतलब इसने इसको इसने बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करा, लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं आई। और शराब के अंदर वो होता है कि क्या बोलते हैं आप नहीं खा सकते, हर किसी का अलग अलग वो है, पर आप क्या बोलते हैं शराब के अंदर एक मील खा सकते हैं और कुछ भी ये तो क्या बोलते हैं आप पूरी वीडियो इसने डिलीट कर दी, पर इसने कम से कम 3 से 4 मील खाई है। मोमोज भी खा लो भाई साहब, हो गई यार ये, मतलब इस वीडियो को लेके इसने एक वीडियो, ये अपने आप ही चल रहा है, इस वीडियो को लेके इसने एक ना वीडियो बनाई थी जिसमें शी वाज क्राइंग और उसके बाद वो बोल रही है, और नहीं बोलना था, मैं एक बार की शॉट दिखा देती हूं, ठीक है। एनीथिंग आई डू आई गेट हेट, मैं खाना खाती हूं तो मुझे हेट मिल रहा है, मैं कुछ भी करती हूं, मैं पापा के शरारत का रिचुअल शेयर कर रही हूं एंड आई एम गेटिंग हेट, डू आई केयर, नो आई डोंट, क्या बोलते हैं। और इसके अंदर इसने मतलब ये बोला है कि इस वीडियो में ये बोल रही है कि मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहले बोल रहे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को कोई भी कितना भी हेट करे ये वो ये वो ये वो, उसके बाद जानबूझ के रो रही है इसी वीडियो में, लास्ट में रो रही है, क्या बोलते हैं अरे मेरे को ये बोलते हैं मेरे को वो बोलते हैं, फिर इसकी एक फ्रेंड आ गई इसको चुप करवा रही है ये वो ये वो सब, मतलब सब दिखा पाए और कुछ नहीं है। और मतलब कि कई लोग देखते हैं इसको क्योंकि लोगों को मजे आते हैं इसलिए देख रहे हैं, लोगों को इसका मजाक उड़ते हुए या फिर क्या बोलते हैं इसको देखने में किसी चीज में मजा आ रहा हो शायद से, बहुत सारी चीजें मजा आ रहा तो आज के लिए इतना ही, इससे ज्यादा हम नहीं देख सकते, दिमाग फट जाएगा, दिमाग बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा वो था, मतलब कि हद से ज्यादा हानिकारक फॉर हेल्थ, थोड़ा सा लड़कों के लिए ज्यादा है हानिकारक, लड़कों के लिए ज्यादा हानिकारक है और लड़कियों के लिए फिर ये देखा ना लड़कियों की इतना यार इतना कौन करता है, लड़कियां भी शर्म आ जाती हैं। अब हम चलते हैं, अब हम वीडियो करते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो बहुत जल्दी आएगी, वो खाने के ऊपर भी मतलब रोस्ट, खाना पीना नहीं करना मुझे, शायद से रोस्ट, शायद से खाना, शायद से ट्रैवल भी हो सकता है ऐसा कुछ नहीं पता, ट्रैवल भी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो बहुत जल्दी आएगी, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।